हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको छार के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। मतलब अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसन ले लेंगे। हमने यहाँ पे 3 किलो बेसन लिया है, तो अच्छे से उसको छान लेंगे, क्योंकि बेसन जो है मूल का आता है तो थोड़ा ख़राब आता है, लेकिन ये तो घर का पिसा हुआ है। तो सबसे पहले इसको छान लेंगे। बेसन छानने के बाद इसमें हम डाल देंगे मोइन, कुछ भी किसी का भी आप मोइन डाल सकते हो, घी का, तेल का, कुछ चीज़ का भी आप इसमें मोइन डाल सकते हो। मोइन डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेंगे, देख सकते हो आप इस तरीके से। और इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर लिया है क्योंकि मतलब जो बेसन होता है वो उसको लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए इस तरीके से आप लगाओ। और बेसन बहुत ज़्यादा भी है इसलिए, तो परफेक्ट आटा इसका लग के तैयार है। आप उंगली इस तरीके से लगा के देख सकते हो। और उसके बाद मैंने चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो जाएगी, मैंने हल्का गुनगुना करना है, मतलब ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मशीन है, इससे सेब बनाई जाएगी, तो इसको अच्छे से इसको ग्रेस कर लेंगे तेल से। उसके बाद एक इस तरीके से बड़ी लोई तोड़ के इसमें मैंने डाल देंगे मशीन में, और उसका ढक्कन बहुत ही ज़्यादा टाइट मतलब कस के लगा देंगे। और उल्लू ही थोड़ा सा बड़ी लेनी है। उसके बाद कढ़ाई गर्म हो चुकी है, गुनगुनी कढ़ाई, ज़्यादा हाई कढ़ाई को गर्म नहीं करना है। उसके बाद इस तरीके से आप उसको ऊपर से चलाते हुए और इस तरीके से आप सेब तोड़ लें। और सेब को क्या है ना, आपको हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा मतलब वैसा सेकना नहीं है आपको, मीडियम ही इसको जो है ब्राउन तरीके का करना है। और ब्राउन होने के बाद इसको मतलब छोड़ दिया, ब्राउन होने के बाद इसको तोड़ लेंगे, हल्के हल्के पीसेस में इसको तोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से सारी लोइयां डाल के इस तरीके से सेक लेंगे। ये भी हल्का ब्राउन हो गया इसका कलर, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको जो है सारा तेल इस तरीके से उल्टा करके इसको थोड़ा सा निकाल देंगे, इसमें तेल नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद इस तरीके से झड़ा के इसको जो परात में निकाल लेंगे। और इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कर भी लिया है, मैंने थोड़ा सा इनको तोड़ लिया है। और इसी तरीके से सारी सेब को जो है बना के तैयार करेंगे, इस तरीके से तोड़ लेंगे। और इस तरीके से इसको छोटा छोटा पीसेस में मतलब कट करना है, मतलब हाथों की हेल्प से आपको इसको छोटा छोटा जो है कर लें। और उसके बाद हम करेंगे चाशनी की तैयार। तो ये झार के लड्डू हैं, ये ज़्यादातर लड्डू गुड़ के ही बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, गुड़ काफ़ी क्वांटिटी में, क्योंकि लड्डू भी काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर चूल्हे पर इसको चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है गुड़ और पानी डाल दिया है। और इसको अच्छे से गुड़ को मिक्स होने देंगे। जब गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसकी जो है, और इसकी जो चाशनी है वो आपको थोड़ा सा पानी में डाल के देख लेना है, जैसे इसकी थोड़ी सी गोली सी बनने लग जाए उसका समझ लेना आपकी परफेक्ट चाशनी बन के आई है। उसके बाद इसको जो है सेब में डालेंगे। तो चलिए चाशनी देखते हैं। तो चाशनी में उबाल आ चुका है अच्छे से, इस तरीके से इसको जो है बार बार टारते रहना है, क्योंकि चाशनी को लगने नहीं देना है नीचे। और जो चूल्हा है वो मीडियम ही जलाएं, गैस वगैरह जो भी आप बना रहे हो जिस पे भी भूल का मीडियम ही रखें। उसके बाद चाशनी बनके परफेक्ट तैयार हो चुकी है। उसके बाद सेब को फैला लिया है, सेब में इस तरीके से आप डाल दोगे। ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस तरीके से सारी सेब को पूरी चाशनी में मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और याद रखना, इसके हल्के गुनगुना रहे तो ही इसके लड्डू बनाने हैं, और ज़्यादा ठंडा ना होने दे। तो इस तरीके से सारी सेब को चाशनी में मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करना है जिससे सारे लड्डुओं में मीठापन आ जाए। और उसके बाद हम करेंगे इसके लड्डू बना के तैयार। और गुनगुना ही रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। तो हमारी चाशनी गुनगुनी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से हाथों की हेल्प से दबा दबा के लड्डू बना लेने हैं।
तो बिल्कुल परफेक्ट जो है इसमें मिल गया है चाशनी और वो सेव। उसके बाद सारे लड्डू इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरे ये लड्डू बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।